सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि जो एयरटेल का जो एक्सट्रीम बॉक्स है उसका ये जो रिमोट है इसको हम पेयर कैसे करें अपनी टीवी से। तो दोस्तों ये जो है यूनिवर्सल रिमोट है जो कि आपको एक्सट्रीम एयरटेल बॉक्स के साथ मिलता है, तो बहुत इजी है। हम इसको कैसे पेयर करें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पेयर कर लेते हैं। तो हम जो है पेयर करेंगे आज एक टीवी, देखिए अलग से एक टीवी की बटन दी है, मतलब ये एक्सट्रीम बॉक्स का जो रिमोट आया है इसमें अलग से ये ऑन ऑफ करने का स्विच दिया है, मतलब इसको पेयर करने के लिए। और ये जो बॉक्स लिखा है इससे आपका बॉक्स बंद चालू हो जाएगा, मतलब ऑन ऑफ, और इससे टीवी ऑन ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद हम ये जो वॉल्यूम है प्लस माइनस इसको भी पेयर करेंगे आपकी जो भी एंड्रॉयड टीवी है, किसी भी कंपनी के एंड्रॉयड टीवी है उसके रिमोट को। तो मेरे पास दोस्तों ये सैमसंग की जो है टीवी है और उसका ये रिमोट है। तो आपके पास कोई भी कंपनी की टीवी हो, चाहे वो सैमसंग की हो, एलजी की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा जो है एक एवी वाला है, इस बटन को हम पेयर करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों दूसरी बटन भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है हमको यही बटन पेयर करनी है, अदरवाइज नहीं तो आपको सेट टॉप बॉक्स को इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले करना क्या है याद रखिए, आप पेयर करने से पहले सबसे पहले इसको आपको पेयरिंग मोड में लाना है। किसको? ये एक्सट्रीम बॉक्स के साथ जो आपका रिमोट आया है उसको। तो दोस्तों ये जो रिमोट है इसकी जो होम की दिख रही है इधर, ये देखिए घर बना हुआ है, और ये टू नंबर की जो की है या मैं बटन बोल दूँ, इन दोनों को जो है एक साथ दबाना है, और उसके बाद जो है एक लाइट कंटिन्यूसली जलती जाएगी, उसके बाद जो है पेयरिंग मोड में आ जाएगा, और उसके बाद जो हमको पेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये होम दबाया और एक टू दबाया, अभी देखिए ये लाइट ग्लो कर रही होगी अगर आपको दिख रहा होगा, तो अभी कंटिन्यूसली ग्लो करेगी दोस्तों, तब पेयरिंग मोड में आएगा ये। तो इसके बाद ये देखिए कम से कम मुझे 5 सेकंड हो गया, अब मैं इन दोनों की को छोड़ देता हूँ। ये देखिए अब कंटिन्यूसली जल रही है, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ गया। अब हम इसको ऐसे रखेंगे आमने सामने। तो सबसे पहले जो है ये वाली बटन दबाएंगे, टीवी वाली, ये दबाई मैंने, और उसके बाद ये देखिए जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है। उसके बाद ये टीवी वाला रिमोट, इसकी जो पावर की को दबाना है। तो दोस्तों ये एक बार दो बार कितने बार भी दबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वॉल्यूम अप, तो ये वॉल्यूम अप दबाया, और इधर भी मैंने वॉल्यूम जो है अप दबाया। अब ये डाउन दबाऊंगा, ये डाउन दबाया, और इधर भी डाउन दबाया। अब जो है एवी वाले बटन को दबाऊंगा मैं आखिरी में, ये एवी बटन है, ये एवी, और इधर में ये बीच वाली, ओके। तो ये जो है मेरा पेयरिंग हो गया है, और अभी देखिए कुछ देर बाद अपने लाइट बंद हो जाएगी, और ये बंद हो गई, मतलब पेयर हो गया। लाइट बंद होने के बाद अब जो है आप ये रिमोट टीवी में, मतलब मेरा मतलब इस रिमोट को जो है टीवी में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो टीवी एवी वाली बटन है इसमें जो ये जो मेरा रिमोट है इसमें मैंने ओके ये बीच वाली दबाई है, मतलब बीच वाले को पेयर किया है, ये ओके बटन है टीवी की, क्योंकि मेरी जो टीवी है उसका स्क्रीन जो है चालू करने के बाद छोटा आता है, और बहुत सारी ऐप आती हैं साइड में, उसके बाद मुझे ये वाली दबानी पड़ती है बड़ा करने के लिए स्क्रीन, इसलिए मैंने इसको पेयर करी है। तो आप भी ऐसा कुछ है तो कोई भी जो है टीवी की रिमोट को आप पेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ये इधर ध्यान रखना, अगर आपसे गलत हो गया है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी जैसे मान लीजिए प्लस की जगह आपने माइनस वाली बटन पेयर कर दिए, तो फिर से कर लीजिए, अभी प्रोसेस जो है फिर से कर दीजिए, क्योंकि जो भी बटन को आप दबाओगे पेयर करोगे वो पेयर हो जाएगी। तो किसी किसी कई लोग पूछते हैं कि हमसे गलत हो गया है पेयर, तो फिर से जो है होम और टू दबा के फिर से उसको पेयर कर लीजिए, जैसे प्लस इसका प्लस दबा दिया, इसका प्लस दबा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखी टीवी एवी की जगह ओके वाली को पेयर किया है। तो चलिए अब हम जो है टीवी में देख लेते हैं कि सही से प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं ये एक्सट्रीम बॉक्स का रिमोट। चलिए अब टीवी में चेक कर लेते हैं, मैं पावर बटन दबाता हूँ, और ये देखिए पावर बटन दबाया, जो कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स का जो रिमोट है उससे दबाया पावर बटन टीवी का। तो ये देखिए मेरी टीवी ऑन हो चुकी है, और जो स्विच बोर्ड होता है पहले से मैंने ऑन करके रखा था, तो मतलब जो पावर बटन है टीवी का ऑन ऑफ वाला वो बढ़िया काम कर रहा है। और इधर मैंने जो टीवी का रिमोट है लेफ्ट हैंड साइड में उसको कुछ भी नहीं करा है, मतलब उसकी बटन नहीं दबाई है मैंने कोई, आप देख सकते हैं एयरटेल बॉक्स के रिमोट से पावर की बटन दबाई और मेरी टीवी जो ऑन हो गई है। अब जो है मेरी टीवी जैसे ही ऑन होगी तो मैं इसको बड़ा करूंगा, क्योंकि मेरी टीवी का स्क्रीन जो छोटा रहता है। तो एवी वाली बटन को मैंने पेयर किया था अपने टीवी वाली ओके बटन से, तो ये देखिए जो ये बड़ी अभी देखिए स्क्रीन हो जाएगी, देखिए बड़ी स्क्रीन हो गई। और जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास टीवी का रिमोट है उसमें जो रेड कलर की बटन दिख रही है बीच में आपको, वो ओके की बटन है, और वो जो है मैंने एवी की बटन है जो एयरटेल की उससे पेयर करके रखी है। तो कोई भी बटन पेयर हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर जो बॉक्स ऑन होने में थोड़ा समय लगाएगा एयरटेल का, और हम वॉल्यूम की जो की है उसको भी चेक कर लेते हैं।
तो अभी मैं वॉल्यूम जो है वॉल्यूम के बटन देखूंगा। तो ये देखिए वॉल्यूम की भी बढ़िया काम कर रही है, और इधर देखिए टीवी के रिमोट से अब देखते हैं। देखिए टीवी का रिमोट भी बढ़िया काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि टीवी का रिमोट फिर काम नहीं करेगा, इधर एयरटेल का रिमोट भी काम करेगा, और जो भी आपकी टीवी जिस कंपनी का उसका रिमोट भी काम करेगा। तो सभी बटन जो है बढ़िया तरीके से पेयर हो चुके हैं इधर पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि टीवी में मैंने चेक किया, इस एक्सट्रीम बॉक्स के रिमोट को प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यूनिवर्सल एक रिमोट है। तो अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट द्वारा जो है मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा, कोई अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, और गलत भी हो जाए तो फिर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, लेकिन अगर इस टाइप से आपको और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से एक्सट्रीम बॉक्स को लेकर बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, जो कि आपके काम के रहेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर।